नमस्कार, अपने सब देख रही बागमती न्यूज। हम हती दिनेश सहनी आजाद गांधी। आई समय हमर मौजूदगी थलवाड़ा गांव में है, जो गाय घाट प्रखंड के बगल में है, अंचल के बगल में है, और पूरा क्षेत्र में जो है से सरस्वती पूजा बड़ी धूमधाम से और शांति पूर्वक मनायल जा रहा है। आई बीच जो है से बता दे कि यहाँ पर जो है से धीरज कुमार ई सब है, ये सब यहाँ पर जो है से ठीक ठाक से हर साल सरस्वती पूजा मनबैया, और कुछ ग्रामीण सब छथिन उनका से बात करे थी। जी बताइयो अपने कि सरस्वती पूजा जो है से कैसन मनायल जा रहा है अपना यहाँ? बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है पूजा, और सभी ग्रामवासी बहुत अच्छे से हैं, सरस्वती पूजा में शामिल हो और अपना मतलब रखे, और हम विशेष क्या कर सकते हैं। और इसी यही गांव में जो है से शिक्षा पर एगो कार्यक्रम रखल गया है। यहाँ के जो VIP नेता है हरेंद्र सहनी, उ सब जो है से बाहर के जो है से लोग के बजेलन है, और कार्यक्रम जो है से चालू है, वही के भी कुछ दृश्य अहाँ सबके देखा है। सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और समस्त मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। सबसे पहले आजाद गांधी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप विपरीत समय में भी लगे हुए हैं। आज सरस्वती पूजा है, हम लोग सब लोग मानते हैं हमारा हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत कि आज का दिन जो है विद्या की देवी सरस्वती माता का पूजा होता है, और निश्चित रूप से ये जो दिन है यह संकल्प लेने का दिन है कि सब लोग अपने बच्चों को शिक्षित करें। हम मानते हैं इस चीज को कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक किसी भी चीजों को समझने में हमें काफी समय लगेगा, और जब बच्चे शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज शिक्षित होंगे और निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। समाज का जो कल्पना है वो मुख्य रूप से शिक्षा से ही सामाजिक नींव कंप्लीट होगा, और जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक कुछ किसी भी चीज के बारे में कल्पना करना मुश्किल है। आज हमारा समाज बहुत पिछड़ा है। एक तो आज से पहले जितने भी सरकार है वो हम लोगों के साथ दोहरा नीति अपनाया कि हम लोगों को जो शिक्षा में भागीदारी होना चाहिए, सत्ता में भागीदारी होना चाहिए, उसको अनदेखा किया गया। हम लोगों का जो पहले सिकरमाई होता था, जाल बांस नाव का हम लोगों का काम होता था, आज वो ठप पड़ गया है। बड़े पैमाने पर बाहर से आयात मछलियां होती है, हमारे समाज का जो आय का संसाधन है वो छिन चुका है, और सरकार कोई भी सरकार, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते हमारा समाज काफी पिछड़ा होते जा रहा है। मैं मांग करता हूँ विकासशील इंसान पार्टी की ओर से तरफ से सरकार से कि हमारा जो समाज है उसको शिक्षित करने में और सत्ता में भागीदारी में भूमिका निभाए, तभी जाकर हमारा देश मजबूत होगा। और हमसे सीनियर नेत्री हमारे बीच में है श्रीमती सुनीता साहनी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, आप उनका अब आ गए हैं, इसी बीच में हम लोग इन्हीं का इंतजार कर रहे होंगे। जी बोलिए। आज यहाँ सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे हम लोग को यहाँ काफी अपने समाज के बीच सरस्वती पूजा के बीच हम लोग आए हैं, और यहाँ पे सबसे पहले मैं अखिलेश जी और पुकार जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से जो सरस्वती पूजा लोग करते हैं बड़ी धूमधाम से, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं अपने समाज के खास करके युवाओं से ये कहना चाहेंगे कि पूजा सही है, पूजा तो करना ही चाहिए, लेकिन एक अपने समाज के जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसको एजुकेशन के लिए थोड़ा जागरूक भी करना बहुत जरूरी है कि जिस समाज से हम लोग आते हैं तो उसमें एजुकेशन का काफी कमी है। तो सरस्वती पूजा करते हैं उसमें एक छोटा सा बच्चे लोग का कुछ ऐसा कार्यक्रम भी ये लोग रखे जिससे हमारे आने वाले जो भविष्य है उसको हम लोग का भविष्य सुधर सके। हाँ बोलू, पूजा के शुभ अवसर पर आगे कैसा महसूस हो रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सरस्वती माता की कृपा है। हाँ आप लोग
लोग बागमती न्यूज को चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए।